फाइनली जाके कृष्णा भाई आपने देखी बीस्ट और राव दोनों देखा, आपने तमिल में भी देखा, तेलुगु हिंदी में भी देखा, तो आप बताओ कि कैसी लगी आपको थालापति विजय सर की ये मूवी? मैं एक्चुअली ये बॉलीवुड चैनल क्रेजी को दे रहा हूँ, हमारे सूर्या भाई जो बैंगलोर में है जी। तो मैं यही कहूंगा सूर्या भाई ऑल द बेस्ट विशेस हमारे टीम की तरफ से जी। मैंने रॉ भी देखा और बीस भी देखा, सुबह 6 बजे पहले बीस देखा तमिल में जो हिंदी इंग्लिश सब टाइटल में, और फिर उसके बाद मैंने अभी आके फिर ये बीस पे रॉ देखा सिनेपोलिस में देखा। दोनों अच्छी तरीके से है, होमवर्क काफी अच्छी तरीके से है, मतलब जो जो वॉइस जो ऑडिट जो किया गया काफी अच्छी तरह से वॉइस किया। अब जो बोले विजय, हम लोग मास्टर्स देखे थे फर्स्ट कोविड में, फर्स्ट कोविड के वेज में 2000 में उस टाइम पे, तो तभी से हम सब उसके फैन बन गए थे। विजय जो मूवी था थोड़ा उससे कम लगा मूवी उनसे कंपेयर में, और जो एक्शन वाइज मूवी मैंने बोले ना विजय सर का, तो पूरा एक्सपांड करें जितने भी हम लोग ने रिव्यू देखे थे सब विजय सर के लिए देख रहे थे, हम भी विजय सर के लिए देख रहे हैं। और उसमें पूजा हेगड़े लाजवाब प्यार आ रहा है, दिल खुश कर दिया उसे। जो कॉमेडी थी ना जो टूटू मैं जो उसमें थोड़ा जलन दिखाया, जलन फैक्टर ये दिखाया, पूजा हेगड़े को दिखाया लाइक किस तरह से लड़के को पटाना वटाना अच्छी तरीके से, जो पूजा हेगड़े का बहुत अच्छा रोल था। और इसमें हमारे जो कॉमेडियन योगी बाबू सुपर, जो उनका जो टाइमिंग है ना पंच ऑफ कॉमेडी, आपने भी सिकंदर भाई ने भी बताया कितना अच्छी तरह से घुसा रहा, जो मूवी का जो बोले ना जो बीच का जो रोल जो आगे का जो घसी के लेके जा रहा एंटरटेनमेंट करना, जो किडनैपिंग जैसे सिचुएशन में जो कॉमेडी दिखा रहा, जो टेंस किडनैपिंग पूरा मूवी ज़्यादा प्लॉट करके मॉल में बनाया गया है, ईस्ट कोस्ट करके मॉल जहाँ पे किडनैपिंग करके गया है उसी में बताया गया। गाने अच्छे, जो गाने हैं ना विजय सर के जो ऐसा नाचने मिटने का लाट पेट का पूरी तरीके से मैं नहीं कर पाऊँ, आई एम नॉट डांसर, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से बहुत अच्छी तरह से फोटोग्राफी। और जो लास्ट को जो मिक का जो जेट का जो फाइटिंग दिखाया है वो बहुत अच्छी तरह से, जो एयरक्राफ्ट का जो दिखा मिग 24 और वहाँ से रफाल इंडियन जो आर्मी जो ऑफिसर है जो 20 विजय सरपति रॉ के पाकिस्तान में घुस कर POK से उठाते आतंकवादी को, वो बहुत अच्छा लगा मुझे। हाँ लेकिन विलन मुझे थोड़ा कमज़ोर लगा, अंकित ने अपना रोल अच्छी तरह से जो उनसे स्क्रिप्ट मिलेगा वही वो करेंगे। और जो लिलीपुट को दिखाया जो मेन खूंखार जो उमर खालिद करके दिखाया एक खूंखार आतंकवादी, जैसा जो बोलते आतंकवादी जैसा जो होना डेंजरस स्पीच देना बेबी पिक्चर में नहीं दिखा, भड़काव स्पीच लोगों को भड़काना ऐसा कुछ नहीं लगा, बस वो थोड़ा एक कमजोर था। और एवरीवन पिक्चर वेरी गुड। एंड में रेटिंग कितना देंगे सर? मैं एंड में रेटिंग 3.5 दूंगा, एज ऑडियंस वाइज 4.5 दूंगा। आप इन्जॉय करिए, आप आइए मूवी आप देखेंगे आप इन्जॉय करेंगे। आई जस्ट रिक्वेस्ट ऑडियंस प्लीज कम एंड एन्जॉय। थैंक यू सर।